हेलो गाइस, बेस्ट विलेज क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो हम लोग 5 तक क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग पार्ट 2 में हम लोग 6 से शुरू करते हैं। देखते हैं, यहाँ देखिए, जब इस तरह से फॉर्मेट रहेगा आपके पास, यानी इस तरह से रहेगा, यानी पी एक्स प्लस क्यू बटा, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। इस फॉर्मेट में इस तरह से बनाना है, या फिर यहाँ रूट भी रहे चलेगा, और नहीं रहे तब वो चलेगा। यदि इस तरह से कहीं फॉर्मेट कहीं मिल जाता है तो इस तरह से इसको बनाइए, जो ऊपर वाला रहता है ना, सो लिख दीजिए पी एक्स प्लस क्यू लिख दीजिए और बराबर कर दीजिए। क्या जानते हैं, यहाँ अपने मन से ये लिखिए, ठीक है, और जो नीचे रहेगा ना उसका डिफ्रेंसिएशन, क्या नीचे का डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ जो रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ x का है, यहाँ x का वेरिएबल है, तो यहाँ x के रेस्पेक्ट में अरे वाला पूरा लिखा जाएगा, समझे, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सो लिखाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखाएगा, और यहाँ प्लस बी कीजिए, मतलब इसी फॉर्मेट पर सब क्वेश्चन बनेगा। अभी देखिए इसी पर देखिए बनाएंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पी एक्स प्लस क्यू क्या है, तो यहाँ देखिए एक्स प्लस थ्री है, बराबर करना है आपको, क्या कर रहा है बराबर, यहाँ ए निकालना है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स किसका, ये बाबू साहब का, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस यहाँ फाइव, इसको कर दीजिए, घेर दीजिए इसे, और यहाँ प्लस बी। अब हमको ये और बी का वैल्यू निकालना है, समझे, तो यहाँ देख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं फिलहाल, और इसी पर देखिए यही फॉर्मेट है आपका, जब भी रहे इस तरह से क्वेश्चन तो आपको यही फॉर्मेट आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये फॉर्मेट पर जा रहा है प्रश्न, तो ये फॉर्मेट पर बनाना ही पड़ेगा। तो इसको देखिए बनाते हैं, देखिए इसको यही कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं इसका, देखिए तो ये का ये रहेगा, अब डिफरेंशिएट कीजिएगा सेपरेट सेपरेट, तो क्या होगा, देखिए डी एक्स स्क्वायर सबको कीजिएगा सेपरेट, यानी डी एक्स, और यहाँ माइनस यहाँ क्या कीजिएगा, डी टू एक्स बटा डी एक्स, और फिर माइनस यहाँ डी फाइव बटा डी एक्स, तो बताइए इसे डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको बाहर निकलेगा यानी टू एक्स हो जाएगा, मतलब टू एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस का माइनस, और टू एक्स का कितना होगा, टू एक्स का खाली टू हो जाएगा, और इसका तो जीरो, तो जीरो लिख दिए, और यहाँ देखिए प्लस बी, यानी प्लस बी हमारे पास रहेगा, नहीं समझे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, अरे भैया इसका डिफ्रेंशिएट करके यहाँ ये का ये लिखे, अभी पूरा ब्रैकेट बंद था तो वही पूरा डिफ्रेंशिएट करके ये लिखे, मतलब हमारा ये और बी निकालना इसी तरह से बनाना है। तब देखिए अब हमारा ई और ई वाला काम हो गया, ठीक है, तब इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, एक्स प्लस थ्री बराबर ये ब्रैकेट कितना, यहाँ गुना कर दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, यानी यहाँ कर सकते हैं टू ये एक्स, अरे गुना कर दिए ना, ये अक्र से गुना कर दिए, माइनस यहाँ टू ये कर दिए, ठीक है, टू गुने ए तो टू ये हो गया, और वहां प्लस बी का प्लस बी रह गया, समझे। फिर देखिए यहाँ और आगे बढ़ाएंगे, एक्स प्लस थ्री बराबर, अब देखिए नहीं कुछ मत बढ़ाइए, मत कीजिए, लिखिए, देखिए अब यहाँ क्या करना है, वेरिएबल वाला लिखना है, कि जो वेरिएबल है, तो ये देखिए एक्स वेरिएबल है, इसके वेरिएबल में क्या करना है, देखिए ये क्या है, इसके आगे में कोफिशियंट है, आगे वेरिएबल है, इसका क्या है, कोफिशियंट है, तो देखिए इक्वेटिंग करना इक्वेशन को, क्या करना है, इक्वेशन कर दिए इक्वेटिंग, तो यस वेरिएबल के सामने क्या है, टू ए, तो टू ए वेरिएबल, जो वेरिएबल के सामने जो रहेगा, तो वेरिएबल के सामने कुछ नहीं तो एक है, तो बराबर क्या होगा, ए हो गया। यहां देखिए ये पूरा टोटल क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो यहां लिख सकते हैं माइनस टू ए, और प्लस बी कीजिए, प्लस बी कीजिए तो बराबर कितना है, कॉन्स्टेंट, यहाँ देखिए तीन है, तो यहाँ तीन लिख दीजिए, ये वाला हम गोल किए थे वैसे समझने के लिए। अब यहाँ देखिए वैल्यू निकालिए, तो ये बराबर क्या होगा, देखिए तो ये बराबर इधर कीजिएगा तो एक बट्टा दो हो जाएगा, तो इसको पुटुसपुर से घेर दीजिए इसको, यही हमारा जरूरत है, ठीक है, और यहाँ एंड यहाँ कीजिए ए का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए दूसरा इक्वेशन में, ठीक है, तो यहाँ कीजिएगा तो माइनस टू का टू, और यहाँ ये हमारा ये और बी का वैल्यू निकालना है, बस इंटू यहाँ इंटू कर दिए, ए का वैल्यू एक बटा दो, तो एक बटा दो, और प्लस बी का प्लस बी बराबर यहाँ तीन, अब यहाँ काट दीजिए इसको, तो कितना का माइनस वन प्लस बी बराबर तीन, यानी बी बराबर भी कितना आ गया आपके पास, चार आ गया, कितना आ गया, चार आ गया। देखिए हमको यही जरूरत है, अब इस इक्वेशन पर पुट कर देना, यहाँ वैल्यू पुट कर देना है, हम लोग इंटीग्रेशन कर देना है। अब देखिए
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां देखिए ये वाला आकड़ा पर कर रहा है, अब आकर का सब खब खत्म इस पे कर रहा है, ये और बी का जो वैल्यू है उसको बैठा देते हैं। तो यहां देखिए ये का वैल्यू देखिए, यहां से बात बनाइए, एक और बात यहां से बनाइएगा, ठीक है ये बना दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए, और यहाँ ए का वैल्यू कितना है, एक बट्टा दो, तो यहाँ एक बट्टा दो लिख दीजिए, एक बट्टा दो, और ये जो लिखा हुआ पूरा लिख दीजिए वही, अरे टू एक्स माइनस टू ये वाला लिख दीजिए पूरा, ठीक है। और बट्टा में ये आपको रखना पड़ेगा, मतलब इसी को छेड़े ना, एक्स प्लस थ्री को जब छोड़े थे तो इस टाइप में आ रहा है, समझे, इस तरह से आ रहा है। यहाँ आपको नीचे में लिख ही देना पड़ेगा कौन सा, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। उसके बाद यहाँ इसको क्या कीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, और यहाँ dx कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए b है, प्लस के प्लस, यहाँ प्लस है प्लस, b का वैल्यू कितना लाए, 4 लाए, तो यहाँ 4 और बट्टा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, इंटीग्रेशन यहाँ dx। यहाँ आपको करना है क्योंकि हम इसी को छेड़ते ना एक्स प्लस थ्री को, तो एक्स प्लस थ्री को तो इस टाइप में आया, तो वह त्री यहाँ बट्टा करना ही पड़ेगा, इसको लिखना ही पड़ेगा, समझे। यहाँ देखिए, उसके बाद देखिए, अब इसको टी मानिएगा ना, ऊपर लग कट जाता है, इसको टी मानिए, देखिए ना, इसको टी करेंगे तो इसको टी मानेंगे तो ऊपर लग उड़ जाएगा, और ये वाला आपको बनाना ही पड़ेगा। इस तरह से फॉर्मेट हम अगले पिछले वीडियो में आपको बताए हैं, तो इसको देखिए, इसको आराम से बनाइए, इसको देखिए एक बट्टा दो का एक बट्टा दो, यहाँ इसको लेट कर लेते हैं ना, यहाँ मान लेते हैं टी तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो टी बराबर देखिए, यहाँ टी बराबर मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 2x, यहाँ माइनस 5 हो गया, तो इसको डी और टी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए डी एक्स के रेस्पेक्ट में, बराबर यहाँ 2x माइनस 2 आ गया। अरे जब इसको डिफ्रेंशिएट तो दो बाहर आएगा, 2x हो गया, अरे एक्स 2x का कितना होता है, यस होता है, अन्य हमको खाली केवल dx चाहिए, तो dx बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ dt बटा 2x माइनस 2। अरे dx इधर ले आए, इसको नीचे कर दिए, तो इस तरह से हमको आया, ये जरूरत है हमको, तो यहाँ 2x का 2x माइनस 2 रखेंगे और dx जगह में ये लिख देंगे, यानी dt बटा यहाँ 2x माइनस 2। इसको आप लिख सकते हैं यहीं, लेकिन हम इसको मिटाते हैं क्योंकि यहाँ प्लेस नहीं है, यहाँ जगह नहीं बचा है। अब देखिए इसको थूर दीजिए, इसको काट दीजिए आप यहाँ प्लस, अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ 4 बटा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अब यहाँ देखिए इस फॉर्मेटवा आ गया कि खाली नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो आपको इस फॉर्मेटवा पर लाना ही पड़ेगा, यानी डी इस तरह से डी एक्स बटा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ऐसा फॉर्मेट भी लाना होगा, या फिर डी एक्स होता यही फॉर्मेट आपको लाने का प्रयास कीजिए आप, इसी तरह से बनेगा ही बनेगा, इसी तरह मतलब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी हम उसी तरह से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यही कर देते हैं, यहाँ देखिए ये स्क्वायर, ये मतलब एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस टू ये भी होता है, तो टू, और यहाँ मान लीजिए कि ये और ये कर देते हैं, ये और ये, अरे मतलब टू ये भी हुआ ना, और प्लस अपने मन से कर देंगे प्लस यहाँ देखिए, यहाँ कर देते हैं अपने मन से 1 का स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर कर देते हैं, तो अपने मन से 1 का घटाना पड़ेगा, ठीक है, ये घटाना पड़ेगा, और यहाँ मेरे पास -5 है तो -5 लिख देते हैं, क्लियर। अरे मतलब यहाँ सेट हो जा रहा था इस कारण से इस तरह से लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और यहाँ डी एस कर दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1/2 का 1/2 इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा बताइए, तो यहाँ अच्छा बताइए, बल लिख देते हैं, और यहाँ टी इंटू डी टी, ठीक है, यहाँ प्लस, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ 4 बाहर लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2, यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए माइनस, ये देखिए ये वाला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, नहीं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ यहाँ जोड़िए कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़िए उधर ले जाइए कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, टोटल देखिए ना, माइनस 1 का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ फिर -5, तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तो -6 लिख देते हैं, -6
छ का हो गया और इंटू यहाँ डी एक्स। तो आपको हम बताए थे कि छ को इस तरह से छोटा नहीं है, इसको रूट में लिखना होगा। छ भी आ जाए चाहे पांच आ जाए तो इसको रूट अगर स्क्वायर करना है तो यहाँ हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे। एक बट्टा टू लिख दीजिए इंटीग्रेशन वन बाय टी का लॉग टी, क्या आएगा लॉग टी, और यहाँ प्लस सी वन मान लीजिए प्लस, क्योंकि इसका कोई कॉन्स्टेंट आएगा तो इसको सी वन मान लीजिए प्लस फोर, और यहाँ वन बट्टा यहाँ इंटीग्रेशन है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस रूट अंडर सिक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए उस फॉर्मेट में आया, इस तरह से फॉर्मेट आया ना वन बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर में। देखिए इस तरह से आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो इसका देखिए यहाँ तक इस तरह से हो गया आपको कंप्लीट। उसके बाद देखिए यहाँ तो ये फॉर्मेट आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ फिर आपको टी मानना पड़ेगा। यहाँ क्या मानना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है। तो आपको सिंपल मतलब टी मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा सिंपल टी मानना पड़ेगा, टी बराबर एक्स माइनस वन मानना कर पड़ेगा। तो यहाँ देखिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, यानी डी टी यानी डी एक्स हो जाएगा बराबर यहाँ हो जाएगा वन, यानी डी टी बराबर क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, मतलब दोनों क्या है आपका बराबर है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ फिर से लिख देते, इसको मिटा लेते फिलहाल, यानी डी टी बराबर डी एक्स दोनों बराबर हो जाएगा, समझे। फिर देखिए यानी एक बटा दो का एक बटा दो लॉग, यहाँ देखिए टी टी जगह पे लिख सकते हैं टी रहने दीजिए प्लस यहाँ सी वन प्लस चार, और यहाँ कीजिए वन बटा टी का होल स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ रूट अंडर सिक्स का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ डी एक्स बराबर डी टी आया था ना, तो डी टी यहाँ लिख देते हैं। अब बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन, बताइए वन बटा टू का वन बटा टू लॉग, इसका टी का टी देखिए इसको ढोते जा रहे हैं प्लस सी वन प्लस यहाँ चार। इसका फार्मूला बताइए, तो इस फॉर्मेट को आप पढ़े होंगे किस तरह से, वन बटा यहाँ मतलब यहाँ डी एक्स पढ़े होंगे डी एक्स बटा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर का फार्मूला। इसका देखिए इसका बताइए, तो यहाँ होगा वन बट्टा, यहाँ देखिए ये लिखा रहता है, यहाँ ये लिखते हैं वन बट्टा टू ये लॉग लॉग यहाँ मोड मोड लिखिएगा, और ऊपर में होता है एक्स माइनस ये बट्टा एक्स प्लस ये प्लस यहाँ सी होता है। तो इस फॉर्मेट पर यहाँ बैठाइए, देखिए तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ आपको ब्रैकेट दे दीजिए, यहाँ लॉग लिखिए नहीं मतलब वन बट्टा टू लिखिए वन बट्टा टू, और ये जगह में क्या आपका रूट सिक्स है, तो यहाँ लिख दीजिए रूट सिक्स कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ लॉग है तो लॉग लिखिए लॉग, अब यहाँ देखिए मोड है तो मोड लिखिए, ठीक है। अब इसको हम मिटा लेते थोड़ा, यहाँ देखिए लॉग हो गया, और यहाँ देखिए एक्स जगह में क्या टी है तो यहाँ टी लिखिए, और यहाँ ऊपर वाला फार्मूला क्वेश्चन में जो मिला मिटाते हैं, यहाँ देखिए यहाँ टी टी हो गया, और यहाँ देखिए माइनस माइनस होता है ये जगह में क्या है रूट सिक्स है, तो रूट सिक्स लिखिए, और बटा यहाँ टी कीजिए, और यहाँ प्लस रूट सिक्स कीजिए। देखिए इस फॉर्मूला पर बैठाइए ना, बैठा लिए होंगे आप, देखिए उसके बाद यहाँ मोड़ कर दीजिए, और यहाँ प्लस देखिए हम सी वन यहाँ माने तो यहाँ दूसरा मानना पड़ेगा, यहाँ सी टू मानना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर से इसको कर लेते हैं, एक बार और लिख देते हैं एक बट्टा चार का एक बट्टा चार लॉग, यहाँ देखिए टी जगह में यहाँ क्या माने थे भैया, ये वाला माने थे टी, अरे यहाँ टी यही माने थे, तो यही लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस यहाँ फाइव, और यहाँ प्लस सी वन उधर लिख देंगे लास्ट में लिखा जाता है, समझे। अब यहाँ देखिए काटिएगा तो इसको दो चार इंटू कीजिएगा तो यहाँ दो से दो कटेगा यानी बचेगा दो, यानी यहाँ प्लस प्लस यहाँ टू बटा रूट सिक्स हो जाएगा, और यहाँ लॉग लॉग। अब यहाँ देखिए यहाँ यहाँ क्या माने थे टी, टी क्या माने थे भैया, देखिए यहाँ टी माने थे एक्स माइनस वन को, लिखे होंगे आप तो एक्स माइनस यहाँ वन और माइनस रूट सिक्स वही वाला लिख दिए, यहाँ सिक्स है ये, ठीक है। बटा यहाँ देखिए टी क्या माने एक्स माइनस वन प्लस रूट सिक्स माने, उसके बाद देखिए मोड कर दिए बंद, और यहाँ देखिए प्लस सी वन प्लस सी टू लिखिए। अब यहाँ देखिए एक बार और इसको लिखिएगा, मतलब इस तरह से एक बार और लिख लीजिए एक बट्टा चार का एक बट्टा चार लॉग, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ टू एक्स माइनस यहाँ फाइव यहाँ प्लस यहाँ टू बट्टा रूट सिक्स लॉग। यहाँ देखिए इसको पूरा वही तरह लिख दीजिए आप, एक्स माइनस वन माइनस रूट सिक्स बट्टा एक्स माइनस वन प्लस
रूट सिक्स, इसको लिख दीजिए और यहाँ बड़का सी लिख दीजिए, यहाँ क्या लिख दिया दिए का मतलब वही बड़का सी, वेयर जहां करके लिख दीजिए सी वन प्लस सी टू, इस तरह से आप सिक्स प्लस आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए हम लोग पिछला वीडियो में सिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, अब देखिए अब पिछला और अब देखिए अब सेवन पढ़ते हैं, तो देखिए इस फॉर्मेट में पार्शियल इंटीग्रेशन कहलाता है, तो इस तरह से फॉर्मेट है पी एक्स प्लस क्यू और बटा आदि आपके रहे इधर से मतलब एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी रहे, तो इस फॉर्मेट ही बनता है, तो इसका फॉर्मेट होता है कि ये बटा ये देख रहे हैं बबुआ साहब, ये बबुआ साहब को पूरा लिखिए एक्स माइनस ए और यहाँ माइनस यहाँ नहीं माइनस नहीं प्लस यहाँ बी बटा ये बाबू साहब का लिखिए एक्स माइनस बी, मतलब इस फॉर्मेट में आपको लिखना ही लिखना है, यदि इस फॉर्मेट यहाँ एक भी रहे तो यही फॉर्मेट पर जाता है, तो यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ एक है यहाँ कितना है तो एक, तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा वन बटा ये बाबू साहब को लिखना पड़ेगा पूरा एक्स प्लस वन, ये ब्रैकेट घेर दीजिए और यहाँ एक्स प्लस टू लिख दीजिए, आराम से इसको कर दीजिए बराबर, ये फॉर्मेट में देखिए इस पर जा रहा है यानी ये जा रहा है ये बटा एक्स प्लस वन, एक्स प्लस यहाँ एक्स प्लस वन है एक्स प्लस वन लिखेंगे और यहाँ प्लस यहाँ बी बटा एक्स प्लस कितना टू है तो टू लिख दीजिए, जितना सारा प्रश्न बताया जा रहा है ये बहुत ही बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसको क्या कीजिए एलसीएम लीजिए, तो यहाँ देखिए एलसीएम लीजिएगा तो वन बटा यहाँ इसी तरह से रहेगा ये एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू रहेगा यहाँ इस तरह रहेगा बराबर, यहाँ देखिए जब एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा एक्स प्लस वन और यहाँ कितना करेगा एक्स प्लस टू करना पड़ेगा ठीक है, उसके बाद देखिए इसको एलसीएम लीजिएगा ये पूरा लिख दिए तो यहाँ मेरे पास ई वाला है इसके बाद ई नहीं है तो यहाँ ए से इंटू होगा यहाँ ए ब्रैकेट एक्स प्लस टू होगा, यहाँ देखिए यहाँ प्लस यहाँ क्या होगा बी है तो यहाँ देखिए ई वाला यहाँ है तो ई वाला नहीं है तो यहाँ इंटू होगा ना, इसको मिटा लेते फिलहाल ई फॉर्मेट को, मेरा ई फॉर्मेट खत्म हो गया। देखिए यहाँ अब क्या कीजिए इसको एलसीएम देखिए ये कटेगा भैया ये वाला काट दीजिए तो यहाँ ए का एक लिखिए बटा यहाँ ए टू करते ये एक्स प्लस यहाँ ए टू टू ये लिख सकते हैं अरे ये गुणे टू तो टू ये होगा ना प्लस यहाँ बी एक्स प्लस यहाँ कितना बी हो जाएगा, देखिए अब वेरिएबल वाला को एक साथ लिखिए और जो कॉन्स्टेंट है एक साथ लिखिए तो यहाँ वन का वन बराबर वेरिएबल कौन है एक ही बाबू साहब और एक ही खचड़वा, तो देखिए तो इसको कीजिए यहाँ ए एक्स लिख लेते पूरा ए एक्स प्लस बी एक्स यहाँ प्लस यहाँ देखिए ई वाला देखिए ई वाला कॉन्स्टेंट टर्म है अरे टू ए और यहाँ प्लस यहाँ बी, अब देखिए यहाँ फिर कॉमन आ रहा है मतलब इसको सजा लिखना आपको पड़ेगा मतलब एक्स कॉमन लीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस यहाँ टू ए प्लस यहाँ बी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ये देखिए इसका क्या है ए प्लस बी क्या है कोफिशियंट है किसका एक्स का कोफिशियंट है, अरे यहाँ बाबू एक्स नहीं है तो यहाँ एक्स अपने मन से लिखेंगे और यहाँ जीरो लिख देंगे, अरे जीरो से टू करेंगे तो एक्स तो जीरो ही मिलेगा, तो ये प्लस अब इक्वेटिंग करेंगे इक्वेटिंग द इक्वेशन इक्वेटिंग द इक्वेशन कर दीजिए तो ए प्लस बी बराबर क्या है जीरो, ए प्लस बी बराबर जीरो एक्स का जो मतलब कोफिशियंट जो है सो अरे कॉन्स्टेंट वा कितना है एक के बराबर है यानी टू ए प्लस यहाँ बी कर दीजिए बराबर यहाँ वन कर दीजिए हो गया वन, अरे वन एन है वन है तो यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बराबर माइनस बी, तो यहाँ ए बराबर माइनस बी यहाँ आकर जगह पुट कर देते हैं यानी यहाँ माइनस बी कर देंगे यानी माइनस बी अरे ये बराबर माइनस बी लाए, अरे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आपको ई वाला री वाला कहीं दे दिया जाएगा तो इसको कैसे बजा लिएगा तो अपना अनुसार बजा सकते हैं आप लोग पढ़े हैं एक्स प्लस वाई बराबर जीरो और यहाँ टू एक्स प्लस वाई हाँ ये तो जानते हैं इस तरह जानते हैं ये तो करके इस तरह बना दीजिए यहाँ प्लस यहाँ बी बराबर वन, अब यहाँ देख लेते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा यहाँ माइनस टू बी आएगा देखिए माइनस टू बी और प्लस यहाँ बी प्लस बी बराबर हो जाएगा वन, हमको खाली ए और बी का वैल्यू जानना है हमारा मतलब नहीं है किसी से, तो यहाँ बताइए कितना आ जाएगा ये यहाँ आ जाएगा टू माइनस टू बी से बी जाएगा कितना बचेगा बी माइनस बी बचेगा माइनस बी बराबर वन यानी बी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ लिख सकते हैं बी बराबर माइनस वन, क्या आया बी बराबर माइनस वन, तब बी बराबर वहाँ माइनस वन आया था ये बराबर कितना हो जाएगा ये बराबर दिया हुआ आपको ये बराबर दिया आपको माइनस बी दिया है तो ये बराबर कितना हो जाएगा बताइए ये बराबर कितना जाएगा अरे यहाँ माइनस वन पुट कर दीजिएगा कितना होगा माइनस अरे यहाँ माइनस वन पुट कीजिएगा यानी ये बन जाएगा यानी यहाँ कह सकते हैं कि ये बराबर जो है आपका वन आया कितना आया वन आया और बी बराबर कितना आया माइनस वन आया क्लियर,
नहीं समझे यहाँ, समझ गए होंगे ठीक है। अब देखिए हमको खाली ये काम था लेकिन हमको ये जरूरत है, ये देख रहे यकरा छेड़े देखिए ये लाया ये फॉर्मेटर बनाना है मतलब इसको अब छोड़ देना है हमारा ये रखना है तो यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए और लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यानी डी एक्स बट्टा यहाँ कितना है एक्स प्लस वन यानी एक्स प्लस वन यहाँ एक्स प्लस टू ठीक है। अरे यहाँ बराबर कर दीजिए, क्या कर दीजिए बराबर इसी बार, अरे यह वाला पूरा है ना इसके बराबर ये वाला आया इसको लिख सकते हैं इसे करके इंटीग्रेशन ये बटा एक्स प्लस वन ठीक है। और यहाँ सेपरेट सेपरेट भी कर मत कीजिए बाद में कीजिए सेपरेट एक्स प्लस यहाँ टू इंटू यहाँ डी एक्स अभी सेपरेट सेपरेट करिए लेंगे समझे यहाँ देखिए बराबर या यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स तो इसका काम नहीं मेरा इसका इंटीग्रेशन होगा ना इसका नहीं कर पाते ना नहीं कर पाते इसीलिए इस फॉर्मेट में लिखते हैं यानी एक्स प्लस यहाँ वन और यहाँ एक्स प्लस यहाँ टू क्लियर बराबर इंटीग्रेशन इसको सेपरेट कर लेंगे एक का कितना मान है एक ये का कितना है वैल्यू वन तो यहाँ लिख देंगे वन बटा एक्स प्लस वन और यहाँ सेपरेट भी कर लेंगे डी एक्स यहाँ प्लस का प्लस यहाँ देखिए यहाँ हम क्या माने बी के बराबर क्या है माइनस वन तो यहाँ माइनस वन लिख सकते हैं तब माइनस वन यहाँ माइनस वन बटा एक्स प्लस टू लिख सकते हैं इंटू यहाँ डी एक्स कोई दिक्कत यहाँ नहीं हुआ होगा। आप बताइए ये ठीक है यहाँ देखिए यहाँ से बात मतलब इसको फिर से ढोते जाइए इसको कोई दिक्कत नहीं यहाँ डी एक्स बटा एक्स प्लस वन और यहाँ एक्स प्लस टू इस तरह से लिखिएगा बराबर हो जाएगा। अब इसका क्या था वन बटा टी अरे इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा एक्स कीजिएगा कितना होता है बताइए यहाँ लॉग एक्स होता है यहाँ लॉग मोड एक्स होता है इसी तरह से इसको थूरिए यहाँ कितना हो जाएगा लॉग मोड कितना एक्स प्लस वन हो जाएगा क्लियर। फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या है ये वाला क्या इसको बाहर निकाल सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं यहाँ देखिए ये वाला जैसे माइनस यहाँ है तो माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं यहाँ प्लस जगह प्लस माइनस क्या होता है माइनस यहाँ माइनस कर लिए कोई दिक्कत नहीं है नहीं होना चाहिए। अब बताइए वन बटा यहाँ ये वन बटा एक्स का फिर वही तीन बैठ गया तो यहाँ माइनस का माइनस और यहाँ लॉग यहाँ कितना हो जाएगा मोड एक्स प्लस यहाँ टू हो गया ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं प्लस सी वन यहाँ कर सकते थे इसके लिए सी वन आएगा देखिए यहाँ कीजिएगा तो सी वन आएगा यहाँ कीजिएगा तो सी टू आएगा यहाँ लिख सकते हैं सी वन प्लस या यहाँ माइनस भी हो जाएगा ना नहीं समझे यहाँ लिखिए देते ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए यहाँ जैसे देखिए मिटा के लिखे लेते हैं यहाँ आपको दिक्कत हो गया होगा यहाँ देखिए दिक्कत कुछ होने नहीं देंगे रुकिए यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा लॉग लॉग हो जाएगा ना लॉग यहाँ मोड एक्स प्लस वन कर दीजिए एक्स प्लस वन कर दीजिए यहाँ प्लस अपने मन से सी वन होगा क्योंकि कॉन्स्टेंट आएगा ना फिर यहाँ माइनस और यहाँ ब्रैकेट बंद कर दीजिए यहाँ क्या जाएगा लॉग क्या जाएगा मोड एक्स प्लस टू हो जाएगा और यहाँ क्या कीजिए प्लस सी टू मतलब इसके लिए कॉन्स्टेंट आएगा इसके लिए कॉन्स्टेंट आएगा बंद कर दीजिए ठीक है। अब यहाँ फिर से एक बार लिख लीजिए यानी इंटीग्रेशन यहाँ डी एक्स बटा एक्स माइनस वन और यहाँ एक्स प्लस टू उसके बाद देखिए बराबर यहाँ लॉग यहाँ देखिए एक्स प्लस वन यहाँ माइनस लॉग इसको उधर फेंक देंगे ना यहाँ देखिए माइनस घुसेगा तो माइनस यहाँ लॉग एक्स होगा यानी लॉग एक्स प्लस टू ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस इसको सी वन और यहाँ देखिए माइनस जाएगा एक्रो जगह जाएगा अरे माइनस यहाँ होगा ना इंटू भैया तो यहाँ माइनस यहाँ सी टू हो जाएगा ठीक है। अब फिर से बार लिख दीजिए इंटीग्रेशन यहाँ डी एक्स बटा एक्स माइनस वन और यहाँ एक्स प्लस टू उसके बाद यहाँ हो गया बराबर यहाँ देखिए अब यहाँ लॉग एम एन टू एन यहाँ देखिए फार्मूला यहाँ चुटकी में लिखिए यहाँ लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला होता है लॉग एम बाई एन होता है क्या होता है लॉग एम बाई एन होता है फार्मूला तो आप पढ़ किए होंगे तो इसी फार्मूला पर बैठेंगे तो देखिए यहाँ क्या होता है मोड़ का मोड़ अरे एक्स प्लस वन अरे यहाँ नीचे लिखेंगे जी एक्स प्लस टू लिखेंगे मोड प्लस इसको बड़का को सी लिखेंगे लेकिन जहां तक लिखेंगे बड़का सी जो है आपका घोड़वा सी यहाँ क्या जाएगा सी वन माइनस सी टू इस तरह से आप सेवन क्वेश्चन को फूक सकते हैं। देखिए अब हम लोग सेवन पार्ट को बना लिया अब आठवां पार्ट देखिए तो ये क्या है आपका बायपार्ट से बनेगा इस फॉर्मेट इसका है कि मान लीजिए कि यहाँ कोई फंक्शन रहेगा ए गो और एक यहाँ रहेगा दूसरा फंक्शन मतलब यहाँ एक्स और एक यहाँ रहेगा दूसरा फंक्शन यानी दो फंक्शन रहेगा जैसे देखिए यहाँ क्या एक फंक्शन यहाँ और एक यहाँ फंक्शन। अब जब भी इंटीग्रेशन बना रहे होंगे पिछले में तो वहाँ मात्र एक गो फंक्शन होता था यहाँ दो गो जब रहेगा तो बायपार्ट लगाना पड़ेगा तो बायपार्ट का फॉर्मूला क्या होता है पहला के छोड़ो लेकिन पहला को देखिए पहला के छोड़ो और दूसरे का इंटीग्रेशन करो दूसरे का क्या कीजिए इंटीग्रेशन कीजिए
एंड इंटू डी एक्स लिखिए, ठीक है। और फिर क्या कीजिए माइनस, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद पहला का जो फिर क्या कीजिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, यानी डी बटा यहाँ पहला, फिर दूसरा का इंटीग्रेशन कीजिए। ये फॉर्मेट है, फॉर्मूला है भैया, यहाँ डी एक्स, ठीक है। और पूरा इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और यहाँ इंटीग्रेशन पूरा होल इंटीग्रेशन होता है। ये फॉर्मेट है किसका, बायपार्ट का। तो आपको आईलेट याद होगा, आईलेट से आईलेट, देखिए आईलेट रहता है, आईलेट कुछ नियम नहीं है। आप आईलेट लगाइएगा तो तुरंत बनता है, समझे, और आईलेट नहीं लगाइएगा तो कहीं ना फंस जाइएगा आप। तो देखिए यहाँ आपका क्या है यू टू दी पावर एस, और यहाँ साइन एस है, तो यू टू दी पावर क्या है अलजेब्रिक है, क्या है अलजेब्रिक इसको, और यहाँ साइन एस क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो सबसे पहले कौन आएगा, अरे अलजेब्रिक आएगा। तो सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा यह है फर्स्ट फंक्शन, अरे वाला है सेकंड फंक्शन। यदि मान लीजिए कि आपको ऐसे करके यहाँ साइन एस और यहाँ आपको ई टू दी पावर एस आएगा, तो आप फंस जा सकते हैं। इसको आप मान लीजिए कि फर्स्ट फंक्शन ले लीजिएगा, इसको सेकंड फंक्शन ले लीजिएगा, तो नहीं फंस जाइएगा, आप बना भी नहीं पाइएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में नहीं फंसेगा, कुछ कुछ तो बन जाएगा, और आप उछलिएगा कि अरे बन गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन फंस जाइएगा। इस पर बनाइएगा आईलेट पर, तो आपको फंसाने फंसने का ज़्यादा चांस नहीं है। ये भी जो होता है 99% सही हो जाता है, 99% ये दे देता है, एक्चुअल आंसर देता है, लेकिन 1% में ये वो फॉल हो जाता है और दूसरा उस टाइप लगेगा, समझे। तो कोई लेट कोई आईलेट कोई नियम नहीं है, आप नहीं लगाइए तब चलेगा, रिल बनना चाहिए। देखिए तो इसको पहला फंक्शन, तो पहला फंक्शन को देखिए छोड़ने बोले, तो इसको छोड़ दीजिए फार्मूला पर, इसको आई मान लीजिए, समझे, आई बराबर, आई बराबर, तो यहाँ भी आई बराबर मान लेते हैं, यहाँ पहला को छोड़े, दूसरा का क्या कीजिए इंटीग्रेशन कीजिए, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, क्लियर। देखिए इसको मिटा लेते हैं, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ माइनस हो गया, फिर क्या किया माइनस के बाद यहाँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, अरे किसका डिफ्रेंशिएशन पहला का, तो डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, उसके बाद दूसरा का इंटीग्रेशन यानी साइन एक्स। ये देखिए ये फार्मूला पर बैठा रहे हैं, इस उगा पर, ठीक है, इस उगा मेरा फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ का कीजिए पूरा ब्रैकेट घेर दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट घेर दीजिए और पूरा इंटीग्रेशन कर दीजिए, और यहाँ ले दीजिए डी एक्स, क्लियर होना चाहिए, क्लियर है। आई बराबर ई टू द पावर एक्स, ठीक है, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन साइन एस का माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ माइनस लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन रखना पड़ेगा, और इसको मिटा देता फार्मूला फार्मूला यूज हो गया, तब तो क्या दिक्कत है, फार्मूला नहीं रहे तब भी चलेगा। अब इसको खाली हल करना है, तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और यहाँ देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, तो पूरा प्योर मार गया ई टू द पावर एक्स, इंटीग्रेशन डाले रहेगा फिर डिफ्रेंशिएट किए थे। अब अगर अंदर वाला इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो क्या होता है साइन एक्स का, क्या होता है साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस यहाँ लिख दीजिए माइनस कॉस एक्स इंटू यहाँ डी एक्स, ये बाहर वाला बचेगा ना, ये बाहर वाला बचना करेगा। अब देखिए इसको माइनस फिर बाहर कर लेते हैं, आई बराबर माइनस ई टू द पावर एक्स, यहाँ कॉस एक्स, यहाँ माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, यहाँ माइनस इधर लेते तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ ई टू द पावर एक्स, और यहाँ जाएगा कॉस एक्स इंटू यहाँ डी एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर आई बराबर मानते हैं, आई बराबर माइनस ई टू दी पावर एक्स, यहाँ कॉस एक्स, और यहाँ प्लस, यहाँ फिर आईलेट लगेगा, क्या लगना पड़ेगा आपको, फिर आईलेट लगाना पड़ेगा। तो इसको मानना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन, इसको मानना पड़ेगा सेकंड फंक्शन, क्यों, क्योंकि आईलेट में आईलेट आई एल ए टी आईलेट हो गया, तो आईलेट में ये क्या है बकलावा अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको मानिएगा फर्स्ट, इसको मानिएगा सेकंड, यदि नहीं मानिएगा तो नहीं बनेगा, हो सकता नहीं बन भी सकता और बन भी सकता, ऐसा बात है, लेकिन आईलेट क्या करता है बहुत बढ़िया चीज है। यानी कि प्लस कीजिए, इसको क्या कीजिए फार्मूला क्या था, पहला के छोड़िए, तो पहला के छोड़ दिए, दूसरे का इंटीग्रेशन कीजिए यानी कॉस एक्स कर दीजिए, ठीक है। फिर क्या था माइनस था पहला का डिफ्रेंशिएशन यानी डी बटा डी एक्स, ठीक है, और ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कॉस एक्स इंटू यहाँ डी एक्स, ठीक है। और बाद देखिए यहाँ क्या होगा, इसका पूरा क्या चीज ब्रैकेट बंद और यहाँ डी एक्स, क्लियर, और आपका होल इंटीग्रेशन इस तरह से था। कोई दिक्कत होना चाहिए, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, एकदम पूरा पीछे पॉज करके वीडियो पीछे कीजिए, उसके बाद फिर देखिए, यहाँ माइनस ई टू द पावर एक्स, यहाँ कॉस एक्स,
प्लस यहाँ देखिए यू टू दी पावर यू टू दी पावर एक्स कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स लिख दीजिए। यहाँ माइनस, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन घोड़ा वाला इंटीग्रेशन लिख देते हैं, और यू टू दी पावर एक्स का यू टू दी पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है, क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है। और इंटू यहाँ फिर डी एक्स, देखिए ये बकलवा फिर आ गया, देखिए यहाँ हम बनाया फिर यहाँ आके उछल के आ गया, तो क्या करना पड़ेगा इसको भी, देखिए ये वाला हम क्या बने थे आई है, यहाँ भी आई ले लेंगे इसको, तो आई बराबर यहाँ माइनस यू टू दी पावर एक्स यहाँ कॉस एक्स प्लस यू टू दी पावर एक्स यहाँ साइन एक्स। देखिए ये भाई इसको क्या मानेंगे, आई मान लेंगे, अरे आई माइनस का माइनस और ये वाला पूरा क्या है आई, तो यहाँ ले सकते हैं वेयर जहाँ की आई बराबर है, आई बराबर आपको दिया था इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स यहाँ साइन एक्स। देखिए क्वेश्चन वही है भैया, इसको आई मान लिए, अरे आई वाला बनेगा यार यार आवर है लड्डू आवर है, तो यहाँ कितना होगा आई और प्लस यहाँ आई, अरे इधर आएगा प्लस हो जाएगा ना, और बराबर यहाँ माइनस यहाँ ई टू दी पावर एक्स यहाँ कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स यहाँ साइन एक्स। कोई दिक्कत, आई और आई कितना हुआ टू आई, कितना आई टू आई बराबर माइनस ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स। उसके बाद खाली हमारा आई चाहिए, कहीं आई चाहिए तो यहाँ लिख देते हैं आई, आई बराबर देखिए आई बराबर क्या होगा, यहाँ टू को इधर धक्का देंगे, आई धक्का देंगे तो क्या होगा माइनस ई टू दी पावर एक्स बटा टू, ठीक। यहाँ कॉस एक्स तो कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस प्लस, ठीक। यहाँ का ई टू दी पावर एक्स तो ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स, और यहाँ साइन एक्स, और यहाँ बटा टू। इस तरह से इसको आंसर को फूक सकते हैं।